रियन और नॉन वेजिटेरियन इस सवाल का जवाब जानते जानते ना जाने कितनों का जीवन ही भी दिया बट आज का यह शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो एग्स से जुड़े आपके सारे सवालों के एक्ट जवाब देगा हेलो आवरीवाद मलिक फ्रॉम माई चैनल दुजर्स एंड हियर वी शूड दूस राइट एंड स्टेड तो आज के इस वीडियो में लेट्स क्रैक दुथ ऑ ऑफ एग्स सो स्टेट विद मी ंग वीडियो। तो सबसे पहले आइए समझते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बेसिक्स पोल्ट्री इंडस्ट्री में मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं फर्स्ट आर ब्रॉयर्स जिन्हें 40 टू 45 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ मीट परपज के लिए पाला जाता है सेकेंड आर लेयर्स जिन्हें लगभग डेढ़ से दो साल तक के लिए पाला जाता है एग्स परपज के लिए एंड थर्ड वंस आर नेटिव या देसी बर्ड्स जिन्हें एग्स या मीट दोनों ही पर्पज के लिए पाला जाता है आइए अब जरा एग्स को समझते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में एग्स दो तरह के होते हैं फर्टिलाइज एग्स एंड नॉन फर्टिलाइज एग्स सबसे पहले फर्टिलाइज एग्स अगर पोल्ट्री में हम मेल एंड फीमेल बर्ड को एक साथ रखते हैं तो मेल बर्ड का स्पम और फीमेल बर्ड का ओवम मिल करके एग के अंदर एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण डेवलप कर देते हैं ऐसे अंडों को जब हम हैचरी में कंट्रोल कंडीशंस में 21 डेज तक रखते हैं तो इनमें से ही चिक्स या चूज़े निकलते हैं। एग्स मार्केट में सेल के लिए कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होते हैं मतलब ये अंडे आप तक नहीं पहुंच पाते अब अनफर्टिलाइज एग्स लेयर्स मुर्गी के फार्म में मिलने वाले सारे अंडे

तो ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट लोगों को यह पता ही नहीं है कि मुर्गी लगभग चार महीने में मैच्योर हो जाती है और नेचुरली खुद ही अंडे देना शुरू कर देती है ये सभी एग्स एग्स होते हैं इन्हें हम टेबल एग्स के नाम से भी जानते हैं जो हमारे आसपास ग्रोसरी शॉप सुपरमार्केट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ऐसे अंडे देने वाली मुर्गियों को लगभग दो साल तक रियर किया जाता है एंड ड्यूरिंग दिस फ्रेम एक मुर्गी लगभग 500 अंडे दे देती है तो इन अनफर्टिलाइज एग्स में जिन्हें मुर्गियां बिना किसी मेल या मुर्गे के होते हुए देती हैं इनमें कोई लाइफ नहीं होती है और ना ही किसी भी तरह से इनसे चिक्स या चूजे क्रिएट किए जा सकते हैं मतलब इनसे लाइफ क्रिएट की नहीं, नहीं जा सकती ये टोटली लाइफलेस होते हैं ऐसे एग्स को भला नॉन वेजिटेरियन कैसे कह सकते हैं साइंटिफिकली है पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं जैसे कि पशुओं से मिलने वाला दूध या मक्खियों से मिलने वाला शहद और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर कौन से अंडे हैं हमारे लिए बेटर अनफर्टिलाइज वाइट एग्स या फिर फर्टिलाइज ब्राउन एग्स मतलब देसी अंडे तो जवाब बहुत ही चौंका देने वाला है दुनिया भर में हुए सैकड़ों लैब टेस्ट और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रिपोर्ट्स बताती है कि देसी अंडों और फार्मी अंडों के न्यूट्रिशन में कोई फर्क नहीं मतलब कि दोनों से ही हमें इक्वल अमाउंट ऑफ फैट्स एंड मिलते हैं इसलिए देसी अंडो या ब्राउन एग के लिए आठ से दस गुना पे करने की कोई जरूरत नहीं है सो दिस इज ऑल अ मिथ ओनली दैट ब्राउन एग्स आर बेटर देन वाइट वंस तो फ्रेंड्स यह था अंडे का रियल फंडा तो मिलते हैं ऐसे ही अगली इंफॉर्मेशन वीडियो में तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हैप्पी